नमस्कार, आप देख रहे हैं BPDM न्यूज़ और मेरा नाम शुभम सिंह है। इस वक्त हम मौजूद हैं RJD कार्यालय के पास और यहाँ पे RJD के एक नेता मृत्युंजय तिवारी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। कल जो है दावती इफ्तार हुआ था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार मौजूद थे, चिराग पासवान मौजूद थे। आखिर क्या राजनीतिक में कुछ उथल पुथल आने वाली है, इसके बारे में हम जानने के प्रयास करेंगे राजनेता मृत्युंजय तिवारी से। दावत इफ्तार के मौके पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे राबड़ी आवास। क्या कुछ राजनीतिक में फिर बदल होने वाली है, जानते हैं इस वीडियो में। दावत इफ्तार में नीतीश कुमार जी पहुंचे, कई तरह की चर्चाएं हो रही है। बीजेपी के कई नेता तो अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, दावत इफ्तार का आयोजन कल जो किया गया तो दावत इफ्तार के बाद बिहार की सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। अब बीजेपी का होश उड़ा हुआ है। बोचहा की हार को तिरंगे से ढकने का जो नाकाम प्रयास कर रही थी बीजेपी, उसका हवा निकल गया। कल के दावते इफ्तार में सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था, सभी राजनीतिक दल के लोग आए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी आए। तो कल जो भव्य तरीके से इफ्तार का आयोजन हुआ, अभी तो इफ्तार का ही खबर रहने दीजिए। सब लोगों ने मिलकर के दुआ मांगी बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की जनता की खुशहाली के लिए। तो अब आगे की खबर के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। जो बात आप चाह रहे हैं निकल कर सामने आए, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। अरे कल का झलक जो है, झांकी तो बीजेपी को परेशान कर ही रही है। अभी तो मौसम का तापमान बढ़ा हुआ है, बीजेपी का बुखार और अभी तापमान बढ़ेगा। बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी इसका इंतजार कीजिए। राजनीति का तापमान भी उफान पर है। अब आने वाले दिनों में कब सा कब किस समय कौन सा खेल हो, पल पल का इंतजार लोगों को है। और किसी भी पल किसी भी समय कोई भी खेल हो सकता है, इससे इनकार कोई नहीं कर सकता। सर एक और सर, सरकार जो कह रहे हैं लोग सरकार गिरेगी। अरे भाई, गिरेगी कि बचेगी, क्या करेगी, हम तो कह दिया कि इंतजार कीजिए। सर तो और तेजस्वी यादव देश बिहार के लिए क्या करेंगे, कुछ करना चाहिए। अभी तो इफ्तार का ही खबर रहने दीजिए, थोड़ा इंतजार तो कीजिए। आए कुछ नहीं अभी सर, अभी आगे आगे देखिए। होता है कि हमने कह दिया कि किसी भी बल पल किसी भी समय किसी भी कुछ भी हो सकता है, अब आगे कुछ नहीं। आगे आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद, जल्द ही मिलेंगे नए खबर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।